కలంకారం వినిపించకూడదు, కాషాయం కనిపించకూడదు. ఇది మాదకాటు నిజాం శాసనం. అల్లాహు అక్బర్. అఖండ భారతం నడి బొద్దున ఉన్న హైదరాబాద్ లో మాతా దీపచ్చం అనే రచ పొందు పెరిగి పెడద ఒత్తుంది. అది పగిలితే ఆ విషమి దేశమంతుకము పుంతుంది. దానికి మందు వేయాలి, ముందు హైదరాబాద్ ని కాపాడాలి. మేరే బీవీ బచ్చే బహుత్ డరే హుయే హై. వో ముజే బోల్తే హై కి పాపా ఆప్కో సెక్యూరిటీ రఖనీ చాహియే క్యూంకి కోయి ఆప్కో మార్ సక్తా హై. టార్చర్స్ హుయే థే, ऐसे रेप्स हुए थे, तो आप जब देखेंगे फिल्म में आपको पता लगेगा. कि आपकी नाक बार बार आपको बहुत परेशान कर रही थी, पसीने आ रहे थे, वो चिपक जा रही थी, वो निकल रही. प्रोस्थेटिक्स पीरियड के बाद अगर थोड़ी सी गर्मी हो तो वो छूटना शुरू हो जाता है स्किन जैसे. एंड हमारे कैमराज आजकल इतने सेंसिटिव हैं कि अगर क्लोज में गए तो सारा मालूम पड़ता है. तो इसलिए फिर उसको रीडू करना पड़ता है एक डेढ़ घंटे. इतने कम टाइम में किसी फिल्म को आप जैसे कंपेयर हो रहा है फिल्म का, कश्मीर फाइल्स हो आप बात कर सकते हैं या दूसरी फिल्में हो, इन सारी फिल्मों से केला स्टोरीज हो कंपेयर किया जा रहा है इतने कम टाइम में, तो ये आप लोगों की उनको टॉर्चर करने से लेकर आखिरी तक जब जब जो जो सीन मैं करता था तब तब मुझे ये महसूस होता था कि कोई इंसान इतना ब्रूटल हो सकता है क्या, इतना अमानवीय हो सकता है क्या. वो गाड़ियाँ उस टाइम में कैसी गाड़ियाँ थी, कपड़े क्या पहने जाते थे, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, आसान नहीं है. फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि सच्ची घटनाओं पर फिल्में बनाई जा रही है. ऐसी फिल्मों का सबसे अच्छी बात ये होती है कि जनता पर जल्दी प्रभाव डालती है, लेकिन एक साइड इफेक्ट ये होता है कि फिल्म के साथ साथ थोड़े बहुत विवाद कॉन्ट्रोवर्सीज भी जुड़ जा चुकी है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म रजाकार की, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और साथ ही प्रोड्यूसर्स. आप सबका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 में. थैंक यू. रजाकार, जिस तरह से फिल्म का नाम है, जिस तरह से फिल्म का ट्रेलर है, जिस तरह से फिल्म को रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिल्म को देखकर लग रहा है कि ना सिर्फ स्टार कास्ट में लेकिन इस फिल्म को बनाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा पसीना बहाया गया. सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ही जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इस फिल्म में काम किया है, कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए इस फिल्म को, क्योंकि कि एक ट्रू कोई किसी सच्ची घटना पर कोई फिल्म बेस हो तो उसको करने निभाने में और ज्यादा डर लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए. तो ये खौफ था, ये डर था, प्रेशर था सर? नहीं, डर तो नहीं कह सकते इसे, क्योंकि जब फिल्म बनाते हैं तो उसके पीछे, और स्पेशली कोई पीरियड फिल्म हो जी, तो उसमें जो नॉर्मल फिल्म है उससे 3 गुना ज्यादा मेहनत और ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ती है जी, कि जो चीज़ हम डिपिक्ट कर रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं है. तो उसकी बहुत स्टडी होती है जी. जो पूरा डिपार्टमेंट, राइटिंग, प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, ये सब पूरा इसका पहले जांच करके एक स्क्रिप्ट बनाते हैं जी. फिर उसके बाद हम एक्टर्स आते हैं एंड एक नॉर्मल फिल्म से बहुत डिफिकल्ट है वो पीरियड क्रिएट करना जी. वो गाड़ियाँ उस टाइम में कैसी गाड़ियाँ थी, कपड़े क्या पहने जाते थे, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, आसान नहीं है. नॉर्मल फिल्में ऐसी 3 बन जाएंगी. तो वो सब हमारे प्रोड्यूसर साहब ने किया, डायरेक्टर ने किया, और हमसे जो कंट्रीब्यूशन हो सका हमने भी कर दिया. सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, मैंने फिल्म में आपके डायलॉग सुने और जब मैं सुन रही थी ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे. तो मतलब कुछ ऐसा कुछ सीन था जब आपने को लगा कि ये सीन मेरी, शायद मेरे को बहुत डिफिकल्टी हुई सीन को करने में, या बहुत ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी मुझे इस पर्टिकुलर सीन के लिए, कोई ऐसा सीन था फिल्म में? एक्चुअली आपको ये पूछना चाहिए कि कौन सा ऐसा सीन था जिसमें तकलीफ नहीं हुई या डिफिकल्टी नहीं थी. फ्रॉम द डे 1 जब मैं आया था तो पहले ही दिन मुझे जो है एक मास्टर जी जो है फिल्म में वो वहाँ एक भाषा सिखा रहे हैं, वो तेलुगु सिखा रहे हैं, और मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात पे. तो उनको टॉर्चर करने से लेकर आखिरी तक जब जब जो जो सीन मैं करता था तब तब मुझे ये महसूस होता था कि कोई इंसान इतना ब्रूटल हो सकता है क्या, इतना अमानवीय हो सकता है क्या, क्या ये आदमी जो कासिम रिजवी है क्या इतना इनह्यूमन था कि उसमें सेंसिबिलिटी या सेंसिटिविटी थी ही नहीं. तो ये सारे सवाल मुझे रोज आते थे जिनको मैं पीछे धकेलता था, क्योंकि अगर मैं इनको फ्रंट सीट पर ले आऊं तो कन्विक्शन कहां से लाऊं.
तो तकलीफ हमेशा होती थी, और जब मैं टॉर्चर करता था तो भी तकलीफ में होता था, और टॉर्चर करने का एक जो सुख होता है, सैडिस्टिक प्लेजर, वो भी लेता था साथ में, क्योंकि मुझे जस्टिफाई भी तो करनी थी कहानी। तो ये एक एक्टर की ज़िंदगी का यही रोमांच होता है कि वो बहुत सारे इमोशंस के साथ एक ही टाइम पर खेल रहा होता है, और यही मज़ा है इस विधा का, तो मैं कर रहा था। अनिश भैया, आपकी अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या लगा जब ये फिल्म आपके पास ऑफर हुई थी, तो आपका पहला मूवमेंट क्या था कि आपको ये फिल्म क्या लगा कि ये फिल्म मैं करूंगी तो मेरे लिए अच्छा होगा, या कुछ डर था दिमाग में कि करूं या नहीं करूं, क्योंकि कंट्रोवर्सीज भी ऐसी फिल्मों के साथ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ती हैं जी। तो क्या था आपका पहला स्टेप क्या था? आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ कि मुझे करनी है, एंड आई वाज ऑनर्ड कि मुझे ये मूवी ऑफर भी हुई, बिकॉज इतने बड़े प्रोडक्शन और इतनी अच्छी स्टोरी लाइन, और ऐसी स्टोरी लाइन जो इतने लोगों के इमोशंस और हार्ट को टच करने वाली है, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा भी अगर अपना किरदार निभा सकते हैं तो यू विल फील वेरी ऑनर्ड। और रही बात आप जो पूछी कितनी डिफिकल्टी हुई, ये पूरी मूवी 2 साल लगा लगभग एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, 2 साल लगा। और मेरी शूटिंग थी मैसूर पैलेस में, तो बीइंग अ डेब्यूटेंट एक ऑडियंस के लिए, आज तक मैंने एक ऑडियंस के नज़रिए से मूवी देखी, ऑडियंस बस एक सेकंड लगता है बोलने में कि मूवी अच्छी थी या ख़राब थी, लेकिन मैंने जो 10 दिन सेट पे बिताए थे मैसूर पैलेस में, पीछे पूरा सेट का पूरी सेटिंग चेंज की गई, पाशा की बड़ी बड़ी पोस्टर्स लगवाए थे, अंदर का इंटीरियर चेंज किया, छोटी छोटी चीज़ों का इतना ध्यान दिया गया कि इवन जो एंटीक्स रखे थे वो सब अरेंज किए, तो इतनी प्रिपरेशन और प्लानिंग लगती एक सीन शूट करने में, तो आई वाज इन कंप्लीट एडमिरेशन ऑफ द होल इंडस्ट्री एंड द टीम एफर्ट ऑफ समरवी क्रिएशंस कि हाउ सब इतना ब्यूटिफुली पुट अप किया। तो सर आपने बहुत मेहनत करी है, और मुझे दिख रही है आपकी मेहनत, आपके जिस तरह से जो स्टार कास्ट है फिल्म की वो बता रही है इस फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत लगी। जब आपने इस फिल्म के बारे में सोचा तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में सर ये भी रहा होगा कि ऐसी फिल्म है, कंट्रोवर्सी होगी, विवाद होगा, जैसा आपने कहा कि आप भगवान हैं, लॉर्ड बालाजी हैं, आपको सिर्फ उनसे डर लगता है और किसी से आप डरते नहीं हैं, तो कभी मैं दिमाग में ये आया था कि अगर कोई विवाद होता है तो मैं उसे किस तरह से हैंडल करूँगा, या कोई भी दिक्कत आती है तो मैं क्या करूँगा, दिमाग में था ये चीज़? ये सब था, बट बीइंग अ सन ऑफ द सॉइल मैं ये पूरा हक से, मेरा हक है ये सिनेमा निकालने का भी सोचा, क्योंकि ये सोच मुझे दिया गया कौन है, भगवान बालाजी भगवान ने दिया, वहाँ लैंड हुआ रजाकार बोल के बहुत तेजी से मेरे दिमाग में आए। एक एक सीन को उस तरह से डिपिक्ट करने की कोशिश भी की गई है, यही वजह है शायद इतने कम टाइम में किसी फिल्म को आप जैसे कंपेयर हो रहा है फिल्म का, कश्मीर फाइल्स हो आप बात कर सकते हैं, या दूसरी फिल्में हो, इन सारी फिल्मों से केला स्टोरीज हो कंपेयर किया जा रहा है इतने कम टाइम में, तो ये आप लोगों की शायद मेहनत है, फिल्म की कामयाबी है जो मेहनत आप लोगों ने लगाई, लेकिन आपसे समझ आना चाहूंगी अच्छा लगा जब आपकी फिल्म का उन फिल्मों से कंपैरिजन किया जा रहा है जो कि नो डाउट जिस पर विवाद हुआ, लेकिन इन इन फिल्मों ने एक बेंचमार्क भी सेट कर दिया है। एक अभिव्यक्ति जो है वो किसी उसकी स्वतंत्रता सबको है, विचार रखने की स्वतंत्रता सबको है, कंपेयर करने की स्वतंत्रता भी सबको है जी। जिसको जो करना है उसको वो करने दिया जाए, पर्पस ये होना चाहिए कि हम जो सिनेमा बनाएं वो करप्ट नहीं होना चाहिए। अब ये हम जानते हैं, जैसे ये गुडूर सर हमारे जो डायरेक्टर हैं याटा सर, और इन्होंने जब फिल्म लिखवाई है और जब मैंने फिल्म पढ़ी थी तो मुझे ये लगा था कि ये एक ईमानदार फिल्म है और इस ईमानदार काम से मुझे जुड़ना चाहिए बिना डरे। जो आपका डर वाला सवाल था, तो मैं तो अभी तक नहीं डर रहा हूँ, लेकिन मेरे बीवी बच्चे बहुत डरे हुए हैं। अच्छा। वो मुझे बोलते हैं कि पापा आपको सिक्योरिटी रखनी चाहिए क्योंकि कोई आपको मार सकता है। वो एक अलग सब्जेक्ट है, सवाल ये है कि जब जब कोई एक ऑनेस्ट काम हो। बट सर आपको भी थ्रेट ऐसी धमकियां मिली थी? नहीं नहीं, मुझे कोई धमकी नहीं मिली है, मैंने शायद साईं बाबा किया इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं इतना इस तरफ दिमाग लगाता नहीं हूँ, मैं मुझे सिर्फ सिनेमा दिखता है, मुझे मेरा काम दिखता है, और मैं ये बात मानता हूँ जब जो होना है वो तब होना ही है। तो मुझे इस पल मरना है तो मैं अब मरूंगा, मुझे तब मरना है तो मैं तब मरूंगा, मैं इस तरह की फिलोसफी, खैर वो अलग बात है। तो सवाल ये है कि आपने बोला कि कंपैरिजन हो रहा है, ये भी सब जो भी फिल्म किसी वजह से चल जाए वो जस्टिफाइड है, मुझे लगता है आप उसको कंपेयर करो, आप उसको बदनाम करो, उसका नाम करो, मेरी फिल्म चलनी चाहिए और वो अच्छी फिल्म होनी चाहिए। ख़राब फिल्म हो और वो ख़राब पब्लिसिटी से चल जाए तो मुझे मज़ा नहीं आता, उस ख़राब फिल्म का मैं हिस्सा हूँ और वो चल जाए तो वो मुझे तकलीफ़ देगा, वो मुझे गिल्ट देगा। मैं यहाँ बार बार हर जगह क्यों खड़ा हूँ शुरू से आखिर तक, क्योंकि मुझे लगता है ये एक सार्थक सिनेमा है, ये एक सेंसिबल काम है और ये एक अच्छी स्टोरी है जो लोगों तक आना चाहिए, पहुंचनी चाहिए, और ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है एक प्रोपेगेंडा फिल्म है,
ओबीसी का बयान ही बोलूं, ओबीसी ने बोला सब काल्पनिक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आपको लगता है कि ये सब जो कॉन्ट्रोवर्सी जबरदस्ती फिल्म को रोकने के लिए, उसकी कामयाबी को रोकने के लिए की जा रही है? तो है ही नहीं, बोल रहे हैं ऑथेंटिसिटी के साथ ही कर सकते हैं, तो लगने ही नहीं दे, जुडिशरी भी नहीं लगने दे, आप समझते हैं जी? तो जो जो इंसिडेंट हुआ है इन द बुक्स है वही डिपिक्ट किया गया है। सो अब वो इंसिडेंट हुए थे, ऐसे टॉर्चर्स हुए थे, ऐसे रेप्स हुए थे, तो आप जब देखेंगे फिल्म में आपको पता लगेगा कि ये किस लेवल तक की फिल्म बनाई गई है। अच्छा सर, ठीक है, कश्मीर फाइल्स भी देखी मैंने, वो भी वहाँ भी हुआ था। इसी आई एम अ कश्मीरी पंडित माई सेल्फ, तो ये सब चीज़ें जो हुई थी और वो चल गई काफ़ी उसके बाद। तो हर फिल्म अलग है, वो कश्मीर पे थी, ये हैदराबाद पे है। सर मैं कहीं पढ़ रही थी कि इस फिल्म में नो डाउट आप लोगों की एक्टिंग को अगर मैं छोड़ दूँ तो जो चीज़ें थी वो भी आपको बहुत परेशान कर रही थी, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि आपकी नाक बार बार आपको बहुत परेशान कर रही थी, पसीने आ रहे थे, वो चिपक जा रही थी, वो निकल रही। प्रोस्थेटिक्स लगाए थे जरा मैच करने, तो उसको क्या है कुछ ग्लू टाइप होता है जी, वो लगा के उसको रखना पड़ता है, पहले तो लगा के 10-15 मिनट हवा दे के उसको करने। अच्छा। फिर वो एक पीरियड के बाद अगर थोड़ी सी गर्मी हो तो वो छूटना शुरू हो जाता है स्किन जैसे। एंड हमारे कैमराज आजकल इतने सेंसिटिव हैं कि अगर क्लोज में गए तो सारा मालूम पड़ता है। अच्छा। तो इसलिए फिर उसको रीडू करना पड़ता है 1-1.5 घंटा। बट इट वॉज फैंटेस्टिक, मेरे को 4 घंटे भी लगाते तो जो रोल मिला है उसके लिए, और उसके लिए कुछ तो भी, कुछ भी। अच्छा, क्योंकि अब रोल की बात हो रही है और फिल्म की इतनी बात हो गई है, तो मैं चाहती हूँ जिस फिल्म, इस फिल्म को जब इतना प्यार मिल रहा है तो मैं चाहती हूँ एक एक डायलॉग आप सबकी तरफ से, जो स्टारकास्ट है, आपसे शुरू करते हुए और सर आपके एंड करेंगे, एक एक जो आपकी फिल्म से आपका पसंदीदा कोई डायलॉग मैं चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए जिन्होंने इतना प्यार दिया है इस फिल्म को, सर आपसे। मुझे? हाँ जी, आपसे शुरू करेंगे फिर यहाँ पर। ఓంకారం వినిపించకూడదు, కాషాయం కనిపించకూడదు, ఇది మాదకాటు నిజాం శాసనం, అల్లాహు అక్బర్. గాడ్, తెలుగు వర్షన్. ఐ కెన్ క్లాప్ నో, ఐ కెన్ క్లాప్. వెరీ నైస్ సర్, వెరీ నైస్ మ్యామ్. అఖండ భారతం నణి బొద్దునవున హైదరాబాద్ లో మాతా దీపచ్చం అని రచ పొందు పెరిగి పెడద ఒత్తుంది, అది పగిలితే ఆ విషమి దేశమంతుకము కుంతుంది, దానికి మందు వేయాలి, ముందు హైదరాబాద్ ని కాపాడాలి. मतलब स्टार्ट हमारा हैदराबाद से होना चाहिए। आप तो, आपको अभी तक तेलुगु याद है सर? मैं तो सब भूल गया हूँ, मैं सब भूल गया हूँ, मुझे बहुत मुश्किल हुआ। नहीं नहीं, अभी हमने देख लिया, कोई कुछ नहीं भूला, सबको बहुत अच्छे से याद है। जो भी दर्शक है, जो भी जनता, उनसे भी हम यही अपील करते हैं कि जब आप ये फिल्म देखें तो आप हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे से हटकर ये देखें कि आपको इतिहास में अक्सर जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो आपको देखने को मिल रहा है, और इतनी अच्छी स्टारकास्ट है, इतनी अच्छी एक्टिंग है, तो आपको ये फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए। पूनम अधिकारी के साथ TV9 भारतवर्ष।